मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासन में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह गाना बजाना कर रहे हैं। जिन केपी सिंह को मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, कांग्रेस की कुटिए राजनीति के चलते उन्हें हाशिए पर ले जाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो हारमोनियम बजाकर शोखियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, गाते नजर आ रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री, विधायक केपी सिंह। केपी सिंह मुख्यमंत्री कमलनाथ की वजह से इन दिनों फुर्सत में हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई दिग्गज और काबिल नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। केपी सिंह भी उनमें से एक हैं और इस बार कांग्रेस की गुटिये राजनीति का शिकार हो गए हैं। ग्वालियर चंबल के इस कद्दावर नेता को लेकर उनके समर्थक भी काफी मुखर रहे हैं। फुर्सत के इस दौर में केपी सिंह का एक और पक्ष सामने आ रहा है, वो है उनका संगीत प्रेमी होना। संगीत प्रेम को लेकर केपी सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केपी सिंह हारमोनियम बजाकर 70 के दशक का गीत शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उस पे फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, गाते दिख रहे हैं। राजनीति की दृष्टि से केपी सिंह के लिए यह वक्त कुछ ठीक नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने शांत रहना मुनासिब समझा और वो लगातार अपने इलाके की जनता के साथ उनके सुख दुख के साथी बने हुए हैं। कांग्रेस ने उन्हें भले ही मंत्री बनाना उचित नहीं समझा हो, लेकिन उनके इलाके में उनका रुतबा और छवि किसी मंत्री से कम नहीं है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों की टीका टिप्पणी भी शुरू हो गई है। लोगों का यह भी कहना है कि कमलनाथ ने कुछ बड़े नेताओं को गाना बजाना करने की स्थिति में ला दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।